सिक्सटी डायमंड का तो हम मेरे पास गए फोर एटी से ज्यादा डायमंड है ओके ये क्या निकला भाई लूट क्रेट है क्या ये प्लान बरमुडा वोट ओपी गज गजा भाई ये तो चलिए अगला तो हेलो गाइज आप सबका स्वागत है मेरे चैनल अंकु शर्माी तो गायस फ्री फायर के अंदर आ चुका है नया डायमंड रॉयल और फाइनली मनी हाइस्ट के बंडल आना स्टार्ट हो चुके चुकेगा जिसका हमको बेसब्री से इंतजार था तो अभी फिलहाल फीमेल बंडल आया है और अपने मैं सारे डायमंड खर्च करने वाला हूँ के लिए तो मैं क्या ले पाऊंगा या नहीं ले पाऊंगा वो आपको इस वीडियो का एंड तक देखने के बाद पता चल जाएगा और उसके साथ साथ आपको एक कमाल की ट्रिक भी बताने वाला हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा कैसे कम से कम डायमंड के अंदर आप इस फीमेल वाले बंडल को ले सकते हो इसके अलावा गाइस मैं अपने एक

प्लेन बरमुडा वोट ओ पी गई गजा भाई ये तो चलिए अगला स्पिन करते हैं गए यहाँ पर सिक्सटी डायमंड का जी चिया गई ओ ये कुछ निकला गई इस हाइस्ट लकी कोइन तो यहाँ पर अच्छी अच्छी चीजें निकली जा रही गई मेरे ख्याल से पूरे का पूरा डायमंड डायमंडल अंदर से भी चेंज है और ये क्या निकला गया हाइस्ट लकी कोइन निकला है मतलब लकी कोइन से भी हम इस बंडल को एक्सचेंज कर पाएंगे जहाँ तक मेरे को लग रहा है फिर से गए हमको दस कॉइन मिल चुके ओ पी बढ़िया 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 मेरे ख्याल से गए पचास से सौ कोइन के अंदर ये बंडल मिल जाएगा हमको दो कॉइन मिले इस बार मेरे को मेरे को कोई नहीं चाहिए मेरे को बंडल चाहिए सीधा का सीधा बंडल दे दो ज़्यादा शानपत्ती नहीं करने का ये घर वालों ज़्यादा शानपत्ती नहीं दिखाने का अपन तो मुझसे ज़्यादा यहाँ पर होशियार आ रहा है अपन ने अच्छे अच्छे को यहाँ पर धोया है तुम क्या बड़ी बात हो दस कॉइन मिले गए दस दस कॉइन मिले जा रहे हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है ये देख के दस 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 पहान करके ले गया दिल इस बार एक कॉइन मिला मिलेगा थोड़ी तारीफ क्या कर दी गई इन्होंने गए यहाँ पर तारीफ पे ये एटीट्यूड में आगे कह रहे चलो तारीफ़ करिए आप कॉइन नहीं देंगे इतनी तारीफ हमारे लिए बहुत है तो यहाँ पर हमको क्या मिला है गा? इस यहाँ पर हमको ये लूट क्रेट मिली है और कॉइन कहा है भाई कॉइन अच्छा यही कॉइन है गई यही कॉइन है या अब यहाँ पर क्रैक्टर फ्रेगमेंट बने हुए आ रहे हैं क्योंकि गाइस अभी यहाँ पर एक्सपेंशन पैक मतलब वो कुछ हुआ होगा अभी अभी गेम रिस्टार्ट करिए बारह बजे तो ये वाला बंडल है गाइज इसको अभी हमको गेम को रिस्टार्ट करना पड़ेगा तब देखने को मिलेगा ये क्या कर रहा है भाई ये यो है ये पेंगुइन अभी क्या कर रहा है भाई ये ये करते हुए मैंने पहली बार देखा है भाई ये लोग करते क्या है बीच बीच में ऐसी हरकतें कर देते हैं भाई पांडा भी गई यहाँ पर पांडे के पास भी ऐसी चीज थी पांडा भी डायमंड उखाड़ता था भाई ये डायमंड चोरी करते हैं मेरे डायमंड गए पर तो नहीं हुए भाई मेरे को चेक करना पड़ेगा वीडियो में पीछे जाके डायमंड चोरी करके बाहर फेंक देते इसलिए अभी अभी एक डायमंड चोरी करके बाहर फेंक दिया है कैसे अच्छी बात नहीं है पैट बड़े चालू है गई जैसे आप टॉय स्टोरी में रात को टॉय जिंदा हो जाते हैं ना वैसे पैट भी रात को जिंदा होकर आपके डायमंड चोरी करते हैं गाई देखो कहे टप 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 करके चिड़ा रहा है कि मैंने तेरे डायमंड चोरी कर ली है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए गाई इनको बहुत ही बुरा लगा ऐसा करें गई ऐसा नहीं करना चाहिए तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो गाइस ये वाला फीमेल वाला बंडल है फाइनली ये आ चुका है तो इसके अंदर टोटल चार पीसेज हैं एक इसका हेड भी होना चाहिए मास्क भी होना चाहिए मास्क कहाँ पर अच्छा मास्क इसका ये रहा तो चार पीस है गए जूता बलियाइन और मतलब जूता कपड़े ऊपर जैकेट और फिर गए पजामा सा तो काफ़ी अच्छा बंडल है अगर आप मनी हाइस्ट आपने देखा हुआ है क्या शो तो आप तो इस बंडल के काफ़ी बड़े फैन होंगे तो यहाँ पर ये एक कैले पर दे रखा है और यहाँ पर इस साइड में बना हुआ है और इसका मेन वाला बंडल गए जिसमें मास्क आगे लगे आएगा मुंह पे लगा आएगा वो वाला बंडल गए सबसे अच्छा होगा वो वाला बंडल तो निकाल ही लीजिएगा ये वाला बेशक से ना निकालो तो गए यहाँ पर आपको पचास कोइन भी मिल सकते हैं दस कोइन भी मिल सकते हैं तो मेरे को मैक्सिमम दस ही मिले हैं पचास नहीं मिले हैं और इन कोइन से भी आप एक्सचेंज कर सकते हो तो बार कोइन भी देखता हूँ कितने कहाँ पर हमको मिल रहे हैं कोइन तो रिडीम वाले सेक्शन में आप देख सकते हो तो कि हंड्रेड कोइन का आपको एक बंडल मिलेगा मतलब ट्वेंटी सिक्स कोइन मेरे को मिल चुके हैं और अगर आपके किसी स्पिन में पचास कोइन निकल जाएंगे तो आपके बल्ले बल्ले हो जाएंगे और अगर आपके पास एक्स्ट्रा कोइन आ जाएंगे तो आप गई उनसे डायमंड ऑयल वाउचर भी ले सकते हो इसके अलावा गई यहाँ पर ये मेरे को ऑलरेडी मिल चुकी है ये भी मेरे को पता नहीं कितने कोइन में मिल रही थी ऑलरेडी अच्छे बैकपैक है इस ये लूट क्रेट नहीं है बैकपैक है काफी अच्छा बैकपैक नजर आ रहा है तो ये वाला बैकपैक भी हमको मिल चुका है आपको दिखाऊंगा भी अभी वोल्ट में जाके कैसा दिखता है और एक एक कॉइन के कुछ बेकार की चीजें मिली है तो बिल्कुल भी मत लेना गाइस तो ये वाला बैकपेगा इस पिंक बैकग्राउंड के साथ है तो येलो बैकग्राउंड नहीं है इसका लेकिन फिर भी काफी ठीक है और काफी अच्छा लगा रहेगा इस पूछे पीछे से यहाँ पर देखिए पैसा भी रखा हुआ अंदर यही पैसा आप निकाल के इनसे टॉपअप कर लीजिएगा और फिर डायमंड डायमंड होंगे फिर उनसे द्वारा बैक पैक निकालेगा फिर उनसे द्वारा पैसा मिलेगा उन पैसे को निकाल के आप फिर से टॉपअप कर लीजिएगा और

का निकल गया, गया क्या कहने और सीधा बंडल निकल गया तो क्या ही कहने और उम्मीद करते जो अगला लकड़ोल आएगा उसके अंदर भी आप ये कोइन यूज कर पाओगे मतलब अगले रोयल के लिए अगले बंडल के लिए अगले बंडल के लिए कोइन चेंज ना हो जाए तो अगला मेल वाला बंडल आएगा इसी का उस पर भी ऐसे ही मास्क बना होगा तो उसमें भी ये कोइन यूज़ हो जाने चाहिए गई इसी उसमें तो तो थोड़ा अच्छा लगेगा और अगर नहीं होंगे तो थोड़ा बुरा लगेगा तो आपको क्या लगता है कहीं अगला जो बंडल आएगा उसमें भी हम इन कोइन को यूज़ कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे ठीक है और इस बार कई आपको हंड्रेड में जीतने के लिए क्या कमेंट करना है गाइस आपको कमेंट करना है गाइस कि प्लान बरमुडा कुनोइची डायमंड रॉयल आपको कैसा लगा कैसा लगा कैसा लगा भाई कैसा लगा प्लान बरमुडा को डायमंड ऑयल आपको कैसा लगा तो ये पूरा पांच वर्ड जरूर लिखेगा वरना आप डिस्कालीफाई हो जाओगे पांच वर्ड क्या है प्लान बरमु कुनोइची डायमंड रॉयल ये जरूर लिखिएगा और इसके अलावा आपको ट्रिक बता देता बताया गाइस जिससे आपको गाइस यहाँ पर जल्द से जल्द गाइस ये मिल जाएगा बंडल मिल जाएगा बैकपैक मिल जाएगा और पचास पचास कॉइन मिल जाएंगे तो आपको कलेक्शन से सब कुछ कर देना है उसके बाद गाइस यहाँ पर एडम कलेक्टर को लेना है और फिर गाइस गेम को रिस्टार्ट करने के बाद हंड्रेड डायमंड का टॉपअप करना है और फिर धनाधन स्पिन करना है गाइस और मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा फिफ्टी परसेंट डिस्काउंट आएगा तब स्पिन करेगा क्योंकि अभी स्पिन काफी महंगा है लेकिन अगर आप अभी भी करना चाहोगे तो अभी भी कर सकते हो शुरुआत के दिन में ज्यादा मतलब शुरुआत के एक दो घंटे में ज्यादा चांसेस होते हैं अब गाइस का अवे करने का भी समय आ चुका है तो मैंने इस वीडियो के अंदर आपको कमेंट करने के लिए बोला है और काफी सारे कमेंट आने वाले काफी सारे लोगों ने पार्टिसिपेट लिया था और आप भी पार्टिसिपेट लेना चाहते हो तो इस वीडियो के अंदर आपको कमेंट करना जो आपको बोला गया और इसके साथ आपको वीडियो को लाइक करना है अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दबाना है और अगर आप वीडियो को व्हाट्सअप या फिर फेसबुक पे शेयर करोगे तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे तो यहाँ पर आप ढेर सारे कमेंट लोड हुए हैं को पिक करने का समय आ चुका है पिक कर लिया मैंने टॉपअप नहीं किया माईडी रोनो जीत रुद्र पौल भाई ने यहाँ पर कमेंट किया है लेकिन ये डिस्कालीफाई होते हैं क्यों क्योंकि आपको इवेंट का नाम भी कमेंट करना था फिर बता रहे टॉपअप किया, किया तो इवेंट का नाम कमेंट नहीं किया अगले भी को देखते हैं सिंगापुर सर्वर में बारह सौ डायमंड दे रहे हैं जी हाँ बिल्कुल सही का पाक गम है और हमारे इंडिया सर्वर में सिर्फ आठ सौ डायमंड दे रहे हैं भाई लेवल अब पास नहीं लिया तो ये हुई ना बात यहाँ पर हमारे अमिता पुजारी जीत चुके गाइस और मैं कोई भी सोशल मीडिया में नहीं हूँ अरे क्या बात है चले कोई बात नहीं अच्छी बात नहीं होना चाहिए सोशल मीडिया टाइम बहुत वेस्ट करती है मैं भी कोई भी यूज़ नहीं करता हूँ बस आप लोगों के कमेंट और मैसेज पढ़ने के लिए यूज़ करता हूँ सोशल मीडिया वरना मैं भी सोशल मीडिया यूज़ नहीं करता हूँ भाई आप भी बिल्कुल मेरी तरह आचू भाई तो अचू भाई इनका नाम है ओ माई गॉड आचू भाई को गाइस सो नहीं दो सौ डायमंड मिलेंगे गाइस तो यहाँ पर इनको दो सौ डायमंड कर देते हैं पसी तो पेमेंट कर डालते हैं बिल्कुल और अब गाइस यहाँ पर पे, रुपीस एटी पे क्लिक करते हैं और हमारे आचू भाई को मिल जाएंगे 200 डायमंड तो आप भी आचू भाई की तरह जीत सकते हो गाइस 100 200 डायमंड तो आपको जो कमेंट करने के लिए बोला गया वो कमेंट कर दीजिएगा पूरी पूरी ईमानदारी के साथ तो ही पीप वही गाइस तो यहीं पे वीडियो समाप्त होती है गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा चैनल अच्छा लगता है सब्सक्राइब हो कर दीजिएगा और गाइस आपके लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज अंकुश शर्मा ने कंप्लीट कर लिए गए अपने यूट्यूब चैनल पे फाइव के सब्सक्राइबर तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन अंकुश शर्मा को और अंकुश शर्मा की तरफ से गए मैं आप सबको थैंक यू सो मच बोलता हूँ अंकुश शर्मा के आपने मतलब अंकुश शर्मा को आपने इतना सपोर्ट करा उसके लिए थैंक यू सो मच चलिए आपके लिए प्यार सा दिल और अंकुश शर्मा का जल्दी फेस कैम वीडियो भी ला रहा है और मोस्ट प्रोबेबली आज या कल में आ जाएगी तो वो भी आप देख लीजिएगा और जैसे कि अंकुश शर्मा ने वादा किया था पाँच सब्सक्राइबर होने के बाद पाँच के होने के बाद फेस कैम वीडियो करेगा तो वो वादा अपना निभाएगा नहीं निभाएगा तो हम उसको लात घुसे फोड़ेंगे उसको मारेंगे टेंशन मत लीजिए मैं भी मारूंगा उसको ठीक है भाँ तो चले गए मिलेंगे क्या अंकुश शर्मा की फेस कैम वीडियो में तब तक के लिए बाबा